हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16th of July, फ्राइडे का दिन है। अभी बज रहे हैं सुबह को ऑलमोस्ट कुछ 11 हो रहे होंगे। एंड आज हमारा शिफ्टिंग का दिन, पूरा सामान वामान आ रहा है और शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं, शिफ्टिंग का काम है, थकान भरा दिन रहने वाला है। एंड आज ही शाम को हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ से मुंबई निकल पाए। अगर ये लोग सुबह शाम के 4-5 बजे तक खत्म कर देते पूरा काम, तो हम लोग यहाँ से मुंबई निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, दिस इज अर्थेश सिंह, लेट्स व्लॉग इट अप। एंड जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं, उनके आने के आधे एक घंटे पहले तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन थैंक गॉड की अभी नहीं हो रही है। बंदे अभी हैं, खुला आसमान भी थोड़ा हो गया, धूप धूप निकल रही है, तो ठीक है। एंड आई होप कि भाई पूरे दिन में ना हो, क्योंकि अगर ट्रक से जाता है जैसे सामान मुंबई, तो भीगने के थोड़े चांसेस हैं सामान के। जैसे फर्नीचर वुड का होता है तो थोड़ा सड़ सकना, पानी लगना कभी हार्मफुल रहता है उन सब के लिए। एंड वेदर फोरकास्ट में तो दिखा रहा था कि मुंबई में एकदम रेड अलर्ट है या पता नहीं ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि पूरे कोंकण कोस्ट में बारिश होगी। तो आई होप कि ना हो भाई, तो ही ठीक रहेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:15 एंड अभी मैं बेडरूम में हूँ दीदी वाले। आप लोग को देख के कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ब्लू और व्हाइट कलर के कर्टन थे, वो वाला रूम है। काफ़ी सारा सामान पैक हो चुका है एंड ये तो सिर्फ बेडरूम का, आगे बहुत सारा ड्राइंग रूम में रख दिया मैंने पैक करके। एंड अभी मैं सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स रहा है, इन हिसाब से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम कर लिया है। बट ये कि जैसे ये वाले पैकिंग वाले काम में आपको खुद खड़े होकर सब देख इंस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर कोई भी सामान कैसे ही पैक हो जाता है एंड फिर आप लोग कहते हैं कि ब्लॉगर्स आज तक आपको बताया नहीं। तो इसीलिए अभी मैं भी खड़ा हूँ, पैर दुख रहे हैं मेरा अभी से, पता नहीं क्यों। इतने अभी पिछले एक हफ्ते से हम लोग पूरा भाग दौड़ हो रही है, सारा सामान काम जो भी हो रहा था सब करना पड़ रहा था। 2000 years later. So guys, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:35 एंड अभी घर मतलब इधर उधर सब कचरा चा भी फैला हुआ है। लेबर्स यार बहुत स्लो निकले, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी काम किए थे लेकिन बाद में थोड़ा स्लो पड़ गए। एंड हम लोग बीच में खाना खाने रिलेटिव के घर चले गए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम हमारा तो गया, लेकिन लेबर्स यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं किए। जब हम लोग आए तो ऑलमोस्ट ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ था। अभी एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा आज का हमारे मुंबई जाना। अगर तो करेंटली ये हम लोग के ड्राइंग रूम का हाल है, यहाँ पे सब मैट्रेसेस पैक की गई हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्स हैं, कुछ अभी बाकी हैं वहाँ के। एंड अभी टीवी भी नहीं निकली, टीवी भी निकालनी बाकी है। ये हमारी वार्डरोब है, मतलब पूरा घर भर में आप लोग देख सकते हैं, रोल और ये सब चीज़ें जो हैं पूरी इधर उधर पड़ी हुई हैं, वही सब काम चल रहा है अभी। ये बेडरूम भी लगभग उजड़ गया, मतलब ये थोड़ा बहुत सामान बाकी है जो जाएगा, मैट्रेस वो बाकी सब उजड़ गया। इधर भी सब जो कपड़े वपड़े सब निकल गए। अब टाइम हो रहा है 11:30, फाइनली अब घर पूरा ट्रक लोड होके जा रही है। एंड मैं आपसे अब मिलता हूँ डायरेक्ट सुबह। ये व्यू अब कुछ आप लोग को अलग ही लग रहा होगा, मिलते हैं कल सुबह, मुंबई निकलना है, मिलते हैं अब सुबह। सो गाइज, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड हम लोग ऑल सेट है लीव करने के लिए यहाँ से मुंबई के लिए। इट्स नाउ फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दिस सोसाइटी, चलते हैं। 9 बज गए, ऑलमोस्ट 12:30 को हम लोग पहुँच पाएंगे, लेकिन नेवरदलेस अब रात को निकले होते तो शायद प्रॉब्लम हो होती, देर रात को पहुँचते फिर और हालत सही नहीं रहती। आज सुबह वैसे ट्रक वहाँ पर आने वाली थी। ऑलमोस्ट 98 किलोमीटर्स कवर करने के बाद अभी हम लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 10:40 हो रहा है सुबह के, बादल बीच में बारिश वारिश मिल गई थी थोड़ी। अभी हम लोग एक होटल परिवार गार्डन करके, काफ़ी फेमस है हाईवे पे मुंबई से नासिक वाला जो रोड है, एंड उसी पे हम लोग थोड़ा खाना खाना है, क्योंकि अब इसके बाद जब पहुँचेंगे तो डायरेक्ट सामान की लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ेगी, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। राइट नाउ द टाइम इज 4:30 इन द इवनिंग एंड हम लोग दोपहर के 2:30 को पहुंच गए थे घर पे। अभी ये कौन सा घर है अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो, आप लोगों ने मेरा मुंबई वाला ब्लॉग नहीं देखा जो ऑलमोस्ट मैंने शायद एक महीने के पहले डाला था, जिसमें हम लोग हाउस हंटिंग कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये पूरा घर दिखाया हुआ था। तो आप लोग को तो यही वाला हम लोगों ने फाइनल कर लिया है एंड इसी में हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। सामान वामान थोड़ा भी आ रहा है, ये तो एक कमरा है, बाकी ड्राइंग रूम में और जो दूसरा एक बेडरूम है उसमें ज़्यादा सामान पड़े हुए हैं। अभी तो शाम के 4:30 बजे बारिश होना शुरू हो चुकी है, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वेदर है यार। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कूल है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी गर्मी तो लगती है। एंड पास में एक कोई लिंक रोड है, वो भी दिख रही है यहाँ से, गोरेगांव का स्टेशन यहाँ से दिखता है, वो बीच में नहीं दिख रहा होगा। एंड जो मलाड का स्टेशन है वो भी यहाँ से पास में, तो दोनों के एक तरह से बीच में ये बिल्डिंग है,
तो कहीं पे भी जा जाना हो, कोई भी स्टेशन पे आसानी से जा सकते हैं। हाईवे भी यहाँ पे जो कौन सा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे वो यहाँ से पास में ही थोड़े दूर पे ही है, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन है यार देखा जाए तो एक तरह से। जिस चीज़ के लिए भी मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो रात के सात मतलब रात के सात से नौ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेवेंथ फ्लोर से काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग है यहाँ से दिखती हैं, एंड वो जब रात में लाइट उनकी जलेंगी तब वो देखने में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। साथ में जो ये रोड पे भी चलती गाड़ियाँ होंगी वो सभी का अलग लाइट का एटमॉस्फेयर बन जाएगा, तो वो उसके देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे रात तक वेट करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग फाइनली मुंबई आ चुके हैं, यहीं पे अब अपनी एक तरह से लाइफ कंटिन्यू करनी है। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, और कुछ नहीं, अब तो पूरी मुंबई एक्सप्लोर करने को है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाने को हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रेड बटन को दबा के तोड़ दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाई देना है, कमेंट कमेंट कर दीजिएगा अपने थॉट्स एंड सजेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।